लोग इंसान नहीं है क्या? रामदुलारी भाभी, लगता है इन्हें सब सच सच बताना ही पड़ेगा। तो बताइए ना हमको, ऐसे भी उपसंतवा को हम इंसान के कैटेगरी में रखते नहीं है। तो वो अगर इंसान नहीं है क्या है? भेड़िया, इच्छाधारी भेड़िया दौलत राम अंकल। ये मैया क्या बोल रही हैं आप? हैस तो सच्चाई छुप नहीं सकती उनकी इंसान की जात में। असली रूप सामने आ जाता है अमावस की रात में। वाह वाह वाह, क्या घुमाया है बात को भैरवी। मुझे क्या बात समझाए राम दुलारी भाभी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या शेर मारा। थैंक यू, नो रिटर्न। और उस तरह जो है ना, वो आधा गुरिल्ला बन जाता है। पिछले हफ्ते जब अमावस की रात थी तो वसंत भैया ने बोला भी था सोना चांदी से। क्या? कि आज खाने में क्या बना रही हो सोना चांदी बहू। और इधर देखिए भैया जी, इस तरह जो है गुरिल्ला बनकर ऐसे 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 डांकी करके आता है और बड़े ही प्यार से सोना चांदी के बालों में से जू निकाल कर खा जाता है। उनका स्वाद बिगाड़ देते हैं आप लोग। और फिर मेरा भाई हेमंत आधे भालू के रूप में आता है। बाप रे बाप। और आके मुझे बोलता है कि भैरवी दीदी, मुझे खाने के लिए खीर दो ना। लेकिन वो जब भालू बन जाता है तो बोलता कैसे? शाबाश, क्या बात पूछे हो बिहार के लाला, बढ़िया। वसंत भैया देखिए, वाह वाह वाह, मारा बेटा, मार दे तो भी बच्चा। अरे ओ काका धोबी, कुश्ती चल रही है? अरे बॉक्सिंग है बॉक्सिंग, इसमें कहां से आया धोबी पछाड़? ओ झालर, बॉक्सिंग क्या होती है तुम्हारे को मत सिखा। बॉक्सिंग मारे राजस्थान की उपज है। अरे मेवाड़ के महाराजा ने ढूंढा था उसे। बरोबर है, घूमर करते करते ढूंढा होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि घूमर भी गरबे पे से निकला, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते। क्या बोल रहे हो आप कुछ भी? अरे अरे एक मिनट, आप जरा प्लीज शांत रहिए ना, यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है समझे? बॉक्सिंग एक कला है। वेरी गुड ओ कलाकार, कुछ लगा? हाँ ग्लव्स लगते हैं, और अगर समय पर इधर उधर नहीं हुए तो ऐसे मुंह पे मुक्का भी लगता है। मोहम्मद अली जी, काका मुरली का मतलब है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अरे चुप रहा मैं, टोटल इधर जा दो, अभी मैं तुमको बॉक्सिंग स्टेप बाय स्टेप। अरे ये बॉक्सिंग में नहीं अटका, मार इसके फेस में मुक्का मार। अरे बोलने तो देव मैन, घोटाला अभी बॉक्सिंग में तुमको स्टेप बाय स्टेप। अपना बद्रेश तू एक लाइन बार बार बोलता है, वो कौन सा लाइन है? ओ भाई तू ही बोल देना, सेम मजा आएगा। वेरी गुड घोटाला, मैं तुमको बॉक्सिंग स्टेप बाय स्टेप सेम मजा आएगा। अरे समझाएगा का सेम मजा आएगा, कौन समझेगा? तुम समझाना, अभी घोटाला को समझने दो। घोटाला देखता क्या है मैन, जाओ जल्दी पहन के आओ। पहना तो है। वसंत भैया ये ग्लव्स की बात करें, ग्लव्स पहन के आइए। वैसे ग्लव्स है ना आपके पास? हाँ ऐसे है थोड़े। हाँ थोड़ा थोड़ा छोड़ो, इधर उधर चलेगा, जल्दी आओ। लो ये बनेगा बॉक्सर। यस मैं बनूंगा। अरे जाओ भाई जाओ, लेके आओ। अरे क्या कर रहे हो घोटाला, जाओ। जब वो भालू बनता है तो बोलता कैसे, बताइए ना हमको। उसका थोड़ा अलग है झुमरू भाई। मैंने आपको बोला तो सही, वो ऊपर से हेमंत ही रहता है, सिर्फ नीचे से भालू बन जाता है। ये अपना बरसा भौजी, इच्छाधारी नागिन। नहीं आज तो सब टीवी का नया शो आ रहा है ना, इच्छा प्यारी नागिन, उनको तो फोन भी आया था वहाँ से कि आप नागिन का रोल करोगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्योंकि मैं तो एक ही दिन नागिन बन पाऊंगी अमावस को। नहीं ये गलत बात है भाई, इस सच में ऐसा है क्या है? एकदम बुड़वा के मजाक नहीं समझ रहे थे बॉस, देखो है? के
इतना मजाकिया है आप लोग भाई, एकदम पेट में दर्द हो जाता है। हंसते हंसते बाप रे बाप। यहाँ हूँ इधर। आपका बालू का थैला रेडी है, इसके साथ कीजिए प्रैक्टिस। सॉरी मेरा मतलब है प्रैक्टिकी। कम ऑन घोटाला स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। ओके स्टार्ट करने को मांगता है। हाँ एक मिनट, ग्लव्स किधर है? अरे हाँ ग्लव्स कहाँ है ना? चुप रहो, क्या हंस क्या रहे हैं आप लोग? रॉनी ने ही कहा था ना कि थोड़ा ऐसे इधर उधर चलेगा। ओ घोटाला, ये इधर उधर नहीं, ये तो उधर उधर है। किधर किधर? इधर ही तो है। बोलो वसंत भैया, बॉक्सिंग करते वक्त बॉक्सिंग ग्लव्स की जरूरत पड़ती है, और ये सर्जिकल ग्लव्स है, ऑपरेशन करते वक्त यूज होते हैं। क्या आप भी? हाँ ऐसे थोड़ा, मतलब क्या है वो, हम ऐसे एलियन है ना। अरे चुप रहो मैन, ये लो मेरा ग्लव्स लो। पहनो। ओके घोटाला, अपने मन के अंदर अभी ऐसा वो, एक मिनट मैन, वो अपना स्लोगन क्या है, भगवान बचाए उसे कोई नहीं मार सकता वो। अरे ये तो हमारी मारवाड़ी कहावत है, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। वेरी गुड घोटाला, अपने मन के अंदर जाको जाको। ओ जाको, जाको नहीं झाको, झाको झाको होता है। और ओ झालर, तू इधर उधर के झांक रहा है। अरे मन के अंदर झांको, मन के अंदर। अरे काका मुरली, ये बेचारे मन के अंदर कैसे झांक सकते हैं? है? ये कोई कमरे में झांकना है, कैसे जाके बोलेंगे मैं थोड़ा ऐसा झांक लेता हूँ? ये फिलोसॉफी नहीं समझते वाला, जरा आसान तरीके से समझा, सेम मजा आएगा। हाँ हाँ मैं समझ गया मैं भद्रेश, ये सही बोल रहे हैं। ओके अभी तुमको इस कंपटीशन में ये समझने का है कि ये जो मानव है ना, ये दौलतराम है तुम्हारा संबड़ी। और जैसे ये मारेगा ना तुमको, ऐसा डॉज करने को मांगता है। और बस डॉज करना मुझे आता है। वेरी गुड, देखो कबड्डी 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 का बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा अच्छा हाँ वो, हाँ वो कबड्डी नहीं, वो तो अरे तू इधर आओ, ये बॉक्सिंग है मैन। वसंत भैया कबड्डी को ही हुतुतु कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? बॉक्सिंग कीजिए बॉक्सिंग। अरे एक मिनट मैन, घोटाला अभी थोड़ा ध्यान दो प्लीज, ऐसे रहने का। हाँ जैसे ही मानव आएगा और मारेगा तो तुमको ऐसा डॉज करने को मांगता है। ओके उसको डिफेंस बोलता है, डिफेंस। ओके जैसे ही डिफेंस किया कि तुमको उसके मुंह पे मारने का, हाँ उसको पंचिंग बोलता है, उसको बोलता है ऑफेंस। तो ऐसा डिफेंस ऑफेंस, डिफेंस ऑफेंस, डिफेंस ऑफेंस, समझा? मतलब आक्रमण अटैक। ओके चलो स्टार्ट। शुरू करो। जुमरो अब मखनवा हमारा है। वेरी गुड बेटा, होटल ऑफेंस डिफेंस साथ में करो।
आप बच्चे की तरह मार रहे हैं, मानव बराबर से मार। वाला ये तो गरबा खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। अरे मानव मार मैन। रॉनी भैया वो सीख रहे हैं ना, इसलिए धीरे अटैक कर रहा हूँ। ऑफेंस डिफेंस, ऑफेंस डिफेंस, ऑफेंस। अरे ओ मानव क्या कर रहा है मैन तुम? तुम दौलत राम है और तुम क्या ऐसे अटैक अटैक के मारेगा? वो ऐसे कंपटीशन में धीरे अटैक नहीं करेगा। जोर से मारो घोटाला, मारो मार झालर। अरे अरे मारो मैन। घोटाला 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 असल भैया मम्मी चाचे पापा बेहोश हो गए चाचे। हाँ? पत्थर वाले भगवान ऐसा क्या खा लिया उन्होंने? मानव भैया का मुक्का। दरअसल हुआ क्या कि मानव भैया पापा जी को बॉक्सिंग सिखा रहे और पापा जी डर के मारे वहां पर पीछे जा रहे थे तो इतने में रॉनी भैया और रॉनी भैया ने पापा जी को धक्का मारा और पापा जी को मानव भैया का मुक्का लगा और पापा जी बेहोश हो गए। तुम तो वहां थी भी नहीं फिर भी ऐसे कह रही हो जैसे आंखों देखा हाल सुना रही हो। सुन के भी मुझे उतना ही मजा आया जितना कि मैं अगर वहां होता तो आता। सोनू चांदू अरे नालायक तेरे पापा बेहोश हो गए और तुझे मजा आ रहा है? नहीं नहीं मम्मी मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि सोनू चांदू कितना अच्छा न्यूज सुनाती है। इसे तो न्यूज चैनल में होना चाहिए था। सोनू चांदू तुझे कहाँ होना चाहिए था नालायक? ऐसे टाइम पे रोमांस सूझ रहा है? हाँ, जब देखो तो अपना रोमांस कंटिन्यू करने लग जाते हो। मेरा तो शुरू भी नहीं हुआ। मेरी वाली तो शादी होते ही चली गई गोवा। मैं सोचता हूँ कि दो चार दिन के लिए उसे मिलके आऊँ। हाँ क्यूट। अरे हाँ क्या शरद बेटा ना तू ऐसे टाइम पे चला जाएगा तो वसंत की देखभाल कौन करेगा? अरे ये है ना ये करेगा। कहाँ? हम लोग तो अपना हनीमून मनाने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। एक महीने का प्लान था लेकिन मैंने मना कर दिया। गुड गुड वेरी गुड बहू वेरी गुड। फिर 3 महीने का वीजा करवाया अब बार बार थोड़ी ना जाएंगे। हाँ ये बताना जरूरी था तुम भी ना। शरत शरत बेटा तुम बाद में चले जाना गोवा। हाँ और फिर आना के गोद में सर रख के रो लेना। हाँ बाबा पहले जाके वसंत को लेके आओ प्लीज। तब तक मैं गर्म पानी का थैला तैयार करती हूँ। मम्मी जी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। एक काम करती हूँ पहले एक थैला गर्म कर लेती हूँ बाद में उसमें पानी डाल दीजिए। नहीं 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 बेटा मैं कर लूंगी तुम कुछ कुछ मत करो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है एक बहू के होते हुए अगर सास काम करे तो बहू पर लानत है। नहीं मम्मी जी आप जल्दी से पानी का थैला लाइए तब तक मैं चूल्हा जला ली। मशाल कहाँ है? वो माखन का ख्याल श्री श्री घोटालों को अपने दिमाग से इसी तरह झटक झटक के निकाल देना चाहिए भैरू क्योंकि वो तो गया। कहाँ? तेरे पप्पा के पास। क्यों? क्योंकि तेरे जो ससुर जी है ना ठोबारे वो एक ही मुक्के में चित हो गए। इसीलिए भद्रेश अंकल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूं क्योंकि मेरी हीरा मोती का उपमा मेरा उपमा है। तो तू कहाँ? वाह वाह मेरे बहादुर दिव्य ज्ञानी भाई। ए, ये दिव्य ज्ञानी ए ठोबारे उपमान ही होता है अपमान होता है बेटा अपमान। नहीं भद्रेश अंकल अपमान तो वो देश जिसकी थूकदानी हलकट है। उमा तुम्हारा भाई भैरू तू समझ गई? हाँ मैं तेश प्रतेश के पापा लेकिन मेरे प्यारे भाई ने थोड़ी सी घोटाला मार दिया। मेरे भाई अपमान देश की थूकदानी हलकट नहीं है बल्कि ओमान देश की राजधानी मस्कट है। भैरू भैरू
दवाई लेने के लिए मैं वहाँ से उठ के आया। बोल कमाल की जीनियस हो तुम, और तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग वाह वाह वाह। नहीं लंबे घोटाले, नेक्स्ट टाइम से इतना भारी भरकम मत बोला, सेम मजा आएगा। आप मुझे मत सिखाइए भद्रेश अंकल, आप ये मत भूलिए कि वो घर तेरे नाम पे है, ये मेरा घर है, यहाँ रोप मत जमा, रोप वहाँ पे जाके छाड़, सेम मजा आएगा। किसको? तेरे लंबे घोटाले को। किस में? अरे रोप झाड़ने में। कैसे? क्या कब कैसे? मैं समझाती हूँ। हेमंत मेरे भाई, हीरा मोती मेरी होने वाली भाभी, अब तुम दोनों ये सोचो कि वसंत भैया को कौन सी स्पर्धा में दौलत राम जी से जिताया जाए, क्योंकि बॉक्सिंग में अब जीतना तो छोड़ो, खेल ही नहीं पाएंगे। हाँ। वसंत होश में आइए ना। भाभी लॉजिकली ऐसे किसी को होश में लाने के लिए पानी पिलाया नहीं जाता है, ऐसे हाथ में रख कर उसके मुंह पर ऐसे पानी मारा जाता है। मेरी आना ने कहा। अच्छा? हाँ। इसके उसने आखिर अभी ये हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं भैया? हिंदी बोलिए ना, हिंदी हिंदी हिंदी, काचकन हिंदी, काचकन 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 हिंदी। की भाषा बोल रहे हैं भैया, हिंदी हिंदी हिंदी, काचकन हिंदी काचकन हिंदी काचकन हिंदी हिंदी। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट। हिंदी आई 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 शरद, नहीं बोल पा रहे हिंदी। हां, इनके दिमाग पे चोट लगने की वजह से ब्रेन माल फंक्शन हो गया इनका। वसंत यू किया तूने मानव? अरे एक ही मुके में घोटाला को ढेर कर दिया। अरे ढेर करने से पहले शर्त तो लगा लेता 500 रुपए की। पापा मैं उनसे शर्त लगाने नहीं गया था, मैं सिखाने गया था। कहीं को इस बेचारे को डांटता है मैन? हाँ तुम तो ऐसे बात कर रहे जैसे तुम वहां पे था ही नहीं। तुम था ना अरे एक मिनट मैन, वो विशाल भरद्वाज ने कौन सा फिल्म बनाया था? राजस्थानी में तो कोई बनाया ही नहीं। जो नहीं बनाया वो नहीं पूछ रहा है, जो बनाया वो बताओ। मकबूल नहीं हैदर? हाँ। अरे हम लोग तो बॉक्सिंग सिखा रहा था, तुमने देखा ना, तुम भी तो था ना हैदर। इधर इधर होता है, इधर का हैदर किया तूने, तुम समझा ना। तो ये भी समझ लो कि अच्छा हुआ एक ही मुक्के में मानव ने वसंत घोटाला को ढेर कर दिया। अगर कॉम्पिटिशन में दौलत राम मारता और ढेर कर देता वसंत घोटाला को तो इज्जत तो जाती, माखन भी जाता। अरे माखन तो जाएगा ही, क्योंकि एक ही मुके में मारे मानव ने उसकी हिंदी लैंग्वेज ही रिलीज कर दी है, और अब वो अपनी एलियन भाषा में कुटु 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 किए जा रहा है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.